जय हिंद बच्चों, आइए आपके लिए लेकर आए हैं अरिथमेटिक का जो है मॉडल पेपर, जिसमें हम बात करेंगे आईसीएसई जीडी डीबी का। इसमें अगर बात करते हैं बच्चों, जो आपके लिए आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर छिपे हुए हैं वो बच्चों कहीं ना कहीं से जरूर आप पढ़े होंगे, लेकिन मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको बच्चों मॉडल पेपर दिया जा रहा है वो 100% बच्चों आपका एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर किए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है कि भोलानाथ सेस 25% ऑफ हिज इनकम, बट ड्यू टू डियरनेस द एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 25%, स्टिल ही सेव 30 रुपीज। बच्चों यहाँ पे आपका जो है फाइंड हिज इनकम, इनकम आपका बरकरार है उतना ही, आपका इनकम में कोई छेड़छाड़ नहीं है। अगर बात करते बच्चों यहाँ पे देखिए 25% का आपका क्या है बच्चों, सेविंग है। 25/100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इनका इनकम बच्चों इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस आपका क्या होता है, सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर बच्चों आपका इनकम कितना है, 4 रुपए है। अगर बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं 1 रुपए सेविंग है, 3 रुपए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपका 3 रुपए एक्सपेंसेस हो जाएंगे, लेकिन बच्चों 25% में आपका 1/4 ये आएगा, 4 बच्चों खर्चा जरूर होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 4 से यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। मतलब बच्चों 16 रुपए था उसके पास, कमा रहा था, 12 रुपए खर्च कर रहा था और 4 रुपए बच्चों आपका क्या कर रहा था, बचा रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पे वृद्धि हो गई उसके खर्चे में, 1/4 बच्चों आपका खर्चा हुआ, तो 12 का 1/4 बच्चों 3 रुपए और बढ़ जाएगा। अभी भी 16 रुपए कमा रहा है लेकिन 15 रुपए बच्चों क्या हो रहा है, खर्च कर रहा है, 1 रुपए बच्चों सेविंग हो रही। अब सेविंग बच्चों अभी उसके पास कितना, 30 रुपए, 1/30 रुपए है, तो यहां बच्चों 16/ कितना आएगा, तो आप बताओगे 480 रुपए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 480 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहाँ पे दिया गया है a²-b² के फॉर्मेट पर। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, आपको पता है a²-b² तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, हम जोड़ते हैं बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8/2 आपका 10 आएगा, और बच्चों 6/3 9/1 10 आ जाएगा, 5/4 9/1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। गुणे बच्चों एक बार आप घटाओगे, घटाओगे बच्चों एक बार इसमें से 8 में से 2 जाए कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और यहाँ बच्चों आपका जो है 8 में से 2 गया 6, 13 में से बच्चों आपका 6 चला जाएगा, तो 7/6 13 हो जाएगा। यहां बच्चों कितना बचेगा आपका, आप बताओगे 4 में से 4 जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, तो यहां से 0.76 आएगा। अब यहां पे भी आप देखो घटा के 0.76 आएगा, ये आपका कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बच्चा, किसी स्कूल में एक परीक्षा में जो सफल और असफल पास फेल के अनुपात दिया गया है। यहां बच्चों पास फेल अगर हम बात करते हैं बच्चों परीक्षा में सफल और असफल, यहां पे 6x बच्चों आपका क्या हुआ, पास हुए, x बच्चों क्या हो गया है, फेल हो गया। यदि बच्चों 6 और विद्यार्थी सफल हो जाते, तो 6 और विद्यार्थी बच्चों अगर सफल हो जाते तो मतलब 6x+6 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। विद्यार्थी सफल हो जाते और 6 विद्यार्थी असफल हो जाते, 6 और विद्यार्थी बच्चों सफल हो जाते तथा 6 विद्यार्थी असफल हो जाते, 6 विद्यार्थी असफल हो जाते, तो मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-6 हो जाएगा, 6 यहाँ से आपके घट जाएंगे। बराबर बच्चों तब ये अनुपात कितना आता, 9/1 का आता। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 6x+ आपका 6 आएगा, और यहाँ से 9x- बच्चों 9/6 कितना आ जाएगा, 54, और इधर लाएंगे बच्चों 54 और 6 आपका, यहाँ पे 9/6 बच्चों आपका 54 हुआ, 1 से आपने गुणा किया, 9:1 हो गया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर दिया गया है 6x+6, तो यहाँ पे 54 और 6 बच्चों कितना आ जाएगा, 60, बराबर ये इधर जाएगा तो आपका 3x x बराबर कितना आएगा आपका, तो 3 × 2 = 6 = 20 आएगा। आपसे बच्चों पूछा गया है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे अगर बात करते पहले कितनी थी बच्चों, 6 × 7, तो 7 = बच्चों 20 + 7 कितना आ जाएगा, 140, तो आप बताएंगे 140 आ जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, मोहन ने बच्चों एक फ्रिज 7000 में खरीदा, 115 लाभ पर बच्चों कमा कर सोहन को बेचना चाहता है, तो भैया यहाँ पे 115 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7115 में ये फ्रिज क्या हो जाएगी, बिकेगी, ए पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे आपका दिया गया है ये बच्चों आपका 8^0, तो ये तो 1 आ जाएगा आपका। यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब बच्चों, तो ये 1/3, 4/4 कितना बचेगा, 16/2, यहाँ बच्चों 2^2, 2×2 = 4, 4/4 कितना आ जाएगा, 16/2 बच्चों आपका 1/2 है, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे जो बच्चा चाहता है
बच्चों ऑफलाइन का ऑफलाइन हिस्सा बनना है एमकेसी का, तो बिल्कुल बच्चों आपके लिए एयरफोर्स नेवी आईसीजी का बैच बच्चों 9696330033 पर बच्चों आप कॉल करके आसानी से ले सकते हैं, जिसमें बच्चों रिटेन है, फिजिकल कैंप है, ग्रुप डिस्कशन है, मेडिकल कैंप बच्चों, स्टडी मटेरियल है, और बच्चों यहाँ पे अगर बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश, इसके अंदर सारी चीजें बच्चों आपका शामिल है। आगे बात करते हैं लड़के एवं लड़कियों के बच्चों एक समूह का औसत वजन, औसत वजन बच्चों 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन कितना है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों के बच्चों समूह का आपका दिया गया है कुल कितना है 38 है, ये दिया गया है 38 केजी है। अब यहाँ पे दिया गया यहाँ पे बॉय है और कौन है गर्ल है, लड़कों का औसत वजन बच्चों कितना है, लड़कों का आपका 42 है, लड़कों का आपका औसत वजन 42, लड़कियों का औसत वजन बच्चों आपका कितना है 33 है। यहाँ पे आपसे पूछा गया यदि लड़कों की संख्या बच्चों आपका कितना है, लड़कों की संख्या 50 है लड़कियों का आपका, तो यहाँ से भैया एलिगेशन लगा दो क्योंकि इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं बच्चा अंतर कितना आ जाएगा, तो 4-2 कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा तो आप बात करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 33, 5 आ जाएगा, 5 को 50 बोल रहे 6 को 60 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, हाँ तो यहाँ पे 33 आपका कितना आ जाएगा 33, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 42 आपका 38, 2 4 आपका 2 आपका 4 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 नहीं 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 नहीं 4 आएगा। अब 5 को 50 बोला जा रहा है, 4 को 40 बोला जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 221 लीव्स रिमाइंडर आपका 64, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर डिवाइडेड बाई 13, भैया 13 से ही भाग दे दोगे 13 5 65 एक ज्यादा हो गया तो -1 आएगा, और जब भी निगेटिव आता है तो उसमें हम आपका डिवाइजर जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा बच्चों 12 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां पे चाहो तो 13 से बच्चों आप डायरेक्टली कर सकते हो, 13 14 52 कर दो, ठीक है, तो 52 कर दोगे 8 4 12 तब भी आपका बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रथम 5 सम संख्याओं के मासा और प्रथम 5 विषम संख्याओं के मासा के गुणनफल का मान कितना होगा, प्रथम 5 बच्चों अगर आप लेते हो सम संख्याओं के मासा तो आपका कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, कितना आएगा बच्चों आपका 2 आएगा मासा, तथा 5 विषम संख्याओं के मासा बच्चों आपका कितना आ जाएगा, उसमें मासा बच्चों आपका कितना रहेगा 1 रहेगा, और उनका गुणनफल की बात करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अप टू 3 प्लेस आपका दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको पता करना, 1/2 बच्चों कितना आ जाएगा 0.5 आपका 5 आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला बच्चों इसमें बच्चों आपका 2 क्वेश्चन आपका मिला हुआ है, ठीक है, अभी जो ऑप्शन जिसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम बात करते हैं, महावीर कैन डू ए वर्क इन 5 डेज, महावीर बच्चों वो किसी काम को 5 दिनों में करता है, रामदास बच्चों आपका जो है सेम वर्क को 3 दिनों में कर देता है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द इफ दे वर्क टुगेदर, बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो 5 3 15 तो 5 3 15 3 5 15 5 3 8 भाग दो बच्चों तो 15 को 8 से भाग देंगे 15/8 दिनों में ये काम को कंप्लीट करेंगे, 8 9 8 आपका 7/8 दिन आपका लग जाए, तो यहां पे अगर बात करते बच्चों तो कितने दिन में ये काम दोनों कंप्लीट कर देंगे, 1 सही 7/8 दिनों में। आगे बच्चों बात करते हैं यदि कोई धन 5 वर्ष में बच्चों 3/2 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने का 7/2 गुना हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर बात करते बच्चों देखिए 2 रुपए था ये कितना हो गया आपका 3/2 का मतलब 2 रुपए रहेगा, तो यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा तो 5 साल में बच्चों आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 रुपए बच्चों ये आपका सबसे पहले चेक करो कि यहां पे कितने रुपए जुड़ा है बच्चों, 5 साल में 1 रुपए जुड़ रहा है, यहां पे बोल रहे हैं कि 2 रुपए से कितना होना चाहिए 7 रुपए होना चाहिए, तो यहां पे कितना जुड़ रहा है आपका 5 रुपए जुड़ रहा है, तो भैया यहां पे कितना गुना है आपका 5 गुना है, तो वैसे ही 5 5 कितना आ जाएगा आपका 25 साल लग जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। अगर बच्चों हम बात करते जो बच्चा चाहता है घर बैठे तैयारी करना, बिल्कुल बच्चों आज ही मोबाइल उठाइए और उसके अंदर बच्चों जाइए गूगल प्ले स्टोर के अंदर एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए बच्चों, जहां पे एयरफोर्स नेवी आईसीजी का आपका बैच बच्चों बिल्कुल लगा हुआ है, आज ही कॉल करिए 9696330033 पर और बिल्कुल बच्चों अफोर्डेबल प्राइस में आप जो है एडमिशन लीजिए। यहां पे बात करते बच्चों अगले क्वेश्चन की आपका दिया एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 है, कितनी दीवारें हैं बच्चों 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना 128 है, लंबाई चौड़ाई के बराबर है, लंबाई और चौड़ाई बच्चों बराबर है, तो यहां पे क्या आता है बच्चों 2 * आपका हाइट, हाइट 4 दिया है, एल प्लस बी दोनों बच्चों बराबर है तो 2
2x हो जाएगा। ये एरिया होता है बच्चों चारों दीवारों का। अब बात करते हैं यहाँ पे, चार दूनी बच्चों आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, सोलह अट्ठे बच्चों कितना आ जाएगा 128, x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमसे पूछा गया बच्चों कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो भैया x गुणे x मतलब 8 अट्ठाई कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। अगली बात करते हैं, तीन बटा पांच और सात बटा तीन के प्रतिलोम, तो भैया पांच बटा तीन और इसका उल्टा हो जाएगा तीन बटे सात के प्रतिलोम के योग का, तो योग कर दो भैया सात पचे पैंतीस और तीन त्रिका नौ और सात त्रिक इक्कीस, तो पैंतीस नौ बच्चों कितना आ जाएगा आपका नौ पांच चौदह चौवालीस बटा इक्कीस आ जाएगा का प्रतिलोम बच्चों, इसको भी उल्टा कर दो इक्कीस बटे चौवालीस, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा इक्कीस बटे चौवालीस सी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, अगला आपका दिया गया है यहाँ पे साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर दोनों बच्चों 90 आपका हो जाएगा, तो 90 होगा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ए प्लस बी अगर 90 है तो आपका कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। 13 से विभाजित करने पर बच्चों एक संख्या 1 छोड़ती है, यदि इसी प्रकार जो भागफल प्राप्त है बच्चों पांच से, 13 से अगर विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आता है एक आता है, पांच से विभाजित किया जाता है तो हमें कितना मिलता है बच्चों से आपका तीन मिलता है। संख्या 65 से विभाजित करने पर, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर दें, अगर अगर हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे वन आपका भागफल रहा होगा तो पांच इकन्नम पांच तीन कितना आ जाएगा आठ, तेरह अट्ठे बच्चों 104, यहाँ पे कितना आ जाएगा 105, इसको 65 से अगर भाग दे देंगे बच्चों, 65 से भाग देंगे 65 इसमें माइनस करिए कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 40 से फल आएगा। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन खेत बच्चों आपका दिया गया है, यहां पे वर्ग मीटर है, बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है, प्रत्येक बच्चों आपका क्यारी की चौड़ाई कितना है 4 मीटर है, तो उनकी अधिकतम लंबाई, तो भैया आपका 4 अगर मीटर लंबाई है तो ये चौड़ाई है, इनसे भाग दो पहले, तो 4 7 28 4 2 8 4 91 4 बच्चों 4 2 8 4 91 4 आपका कितना बचेगा 1 4 3 बच्चों 12 और 4 8 32 ये लंबाई हो जाएगी। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि अधिकतम लंबाई चाहिए, अब लंबाई बच्चों अधिकतम चाहिए सबसे बड़ा तो 6 है, काटो इसको क्या कट रहा है बिल्कुल 6 कदम 6 से 6 दूनी 12 आपका 36 18 बिल्कुल कट रहा है, तो ये सीएफ आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों ये सारी बुकें जो है आसानी से आप मंगा सकते हो, जाइए आप www.measurekazeeclasses.com पर, वहां बच्चों आपको ये बुक जो है 25% डिस्काउंट के साथ बच्चों फ्री डिलीवरी, चाहे बच्चों अरिथमेटिक हो, रीजनिंग हो, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो या फिर बच्चों जनरल नॉलेज हो, ये सारी बुक बच्चों आसानी से आपको वहां पे मिल पाएगा। आगे बात करते हैं x माइनस बच्चों 5√x-1 है, अब हमें यहाँ पे अगर बात करते बच्चों x से आप डिवाइड कर दोगे तो x माइनस 1 बाई x कितना आ जाएगा। अच्छा एक चीज है, अब बच्चों यहाँ पे आपका क्या दिया है रूट एक्स दिया गया है, तो अगर आप इसको आप देखते हो रूट एक्स से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो रूट एक्स बच्चों ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो माइनस फाइव उस साइड भेज दो, माइनस वन अपान रूट फाइव आ जाएगा बच्चों, ये किसके बराबर 5, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे एक्स है भैया एक्स है, तो एक्स बच्चों प्लस 1 बाई आपका एक्स माइनस आपका कितना आ जाएगा 2, तो 5 बचे कितना आ जाएगा बच्चों 25 और 2 आपका कितना आ जाएगा 27, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बच्चों कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, फिर x स्क्वायर माइनस बच्चों प्लस 1 बाई x स्क्वायर आपको निकालना है, 27 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, तो यहां पे 729 माइनस 2 बच्चों आपका कितना हो जाएगा 727 आपका निकल कर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला a क्यूब माइनस 7 a माइनस 6 a 6 के बच्चों तीन गुणनखंड xyz हैं, तो आपको बताना है कि यहां बच्चों x प्लस y प्लस z का मान कितना होगा, तो सबसे पहले बच्चों इनका आपको क्या बनाना गुणनखंड, अगर हम बात करते हैं यहां पे कि तीनों गुणनखंड के बारे में बच्चों, तो सबसे पहले आप चेक करो x plus y plus z अगर आपको चाहिए तो यहां 1 रखने पर आएगा क्या, नहीं माइनस 1 रखिए बच्चों आपका, तो माइनस 1 आपका कितना आएगा माइनस 1, यहां पे आपका प्लस कितना हो गया 7 माइनस 6 बिल्कुल बच्चों a माइनस 1 आपका एक फैक्टर इसका बन जाएगा, a माइनस 1 बच्चों क्या हो जाएगा इसका एक फैक्टर बनेगा। अब a माइनस 1 अगर आपको चाहिए तो a माइनस 1 बच्चों आपको तीन बार लिखना पड़ेगा यहां पे, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा, क्योंकि बच्चों ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर है बच्चों, माइनस ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर आपका चाहिए तभी तो यहाँ, क्योंकि ए स्क्वायर है नहीं। अब आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे कितना बच्चों माइनस सेवन ए है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस सिक्स लेना पड़ेगा, प्लस सिक्स लेना पड़ेगा माइनस सिक्स, तो यहाँ बच्चों माइनस है, यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका ए क्यूब हो गया आपका, ए स्क्वायर माइनस का आया, हमें ए स्क्वायर प्लस का चाहिए था तो यहाँ पे हमने बना लिया,
आपका जो है ए स्क्वायर, तो माइनस ए आया बच्चों, अभी कितना चाहिए, माइनस ए है तो माइनस सिक्स चाहिए, तो अगला हमारा क्या हो जाए। अच्छा लेकिन यहाँ पे आपका क्या लाना होगा भाई, यहाँ पे माइनस वन फैक्टर बना रहे हो तो ए प्लस वन आपका फैक्टर बनेगा ना, बिल्कुल बच्चों ए प्लस वन आपका फैक्टर बनेगा, ये आपका गलत हो रहा था। देखिए यहाँ पे अगर बात करते बच्चों, अब आप लगाएंगे ए का बच्चों, आपका ए का क्यूब हो गया, ए स्क्वायर प्लस का है बच्चों, यहाँ पे जो लेना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस का लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए बच्चों आपका यहाँ पे है, अब माइनस बच्चों आप सिक्स कर दोगे तो यहाँ पे सेवन आ जाएगा, अब ए प्लस वन बच्चों एक फैक्टर तो ए आएगा, दूसरा आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये कॉमन कर दो इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस आपका ए माइनस सिक्स आया, यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, ए प्लस वन आपका, चेक करो आपका यहाँ पे तीन दूनी छह बच्चों, तो आप बताओगे ए आपका माइनस थ्री और ए बच्चों आपका प्लस आपका कितना आ जाएगा, टू आएगा, चेक करिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ए भैया आपका कितना आ जाएगा, टू ए माइनस थ्री ए, यहाँ तीन दूनी छह आ जाएगा। इनका बच्चे क्या पूछा, आपका सम पूछा है, इनको तीनों को आप जोड़िए, ए प्लस वन आपका ए माइनस थ्री हो जाएगा प्लस ए प्लस आपका टू हो जाएगा, तो यहाँ से अगर चेक करेंगे तो ए ए कितना आ जाएगा, थ्री ए आ जाएगा, यहाँ पे दो एक तीन बच्चों बाकी आपका जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, थ्री ए बच्चों आपका ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ से बच्चों आपका ये आंतरिक कोण है, तो यहाँ पे जब इसको मिलाया जाएगा हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि ये आपका आंतरिक कोण समद्विबाहक विभाजक है, ये थीटा बाई टू हो जाएगा और यहाँ बच्चों आपका थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट की वजह से, तो यहाँ पे थीटा थीटा बच्चों ये आपका जो है यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल है इन दोनों के योग के बराबर होगा, थीटा और थीटा बाई टू बच्चों थ्री थीटा बाई टू आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये किसके बराबर, साठ डिग्री के बराबर, तीन दूनी छः बीस दूनी आपका चालीस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चालीस डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ए पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते बच्चों, अगला यहाँ पे दिया ए बी सी बच्चों, इस तरीके से बांटा जाता है, ए बी आपका कि धनराशि का जो अनुपात है, ए और बी वो कितना है, तीन और सात है, बी और सी का जो दिया गया बच्चों वो कितना है, छः और सात है, छः और कितना है, सात है सी, तो इन दो ये दोनों बच्चों बराबर होने चाहिए, बराबर करने के लिए यहाँ पे करिए छः तरीका अट्ठारह और छः सतह कितना आ जाएगा आपका बयालीस और यहाँ पे कितना आ जाएगा सात सतह उनचास, ये आया तीनों का। अब इसमें आप देखिए चालीस चालीस अस्सी, अस्सी दस नब्बे, नब्बे दस सौ और कितना आ जाएगा, एक सौ नौ आ जाएगा, तो यहाँ पे आप गुणा करिए कितना आ जाएगा आपका। अच्छा ए रेशियो बी आपका तो ये दिया था, ए रेशियो बी आपका थ्री रेशियो आपका सेवन है और बी रेशियो सी आपका जो दिया गया है यहाँ पे वो सिक्स रेशियो आपका फाइव है, यही है, छः त्रिक आपका अट्ठारह और छः सतह आपका बयालीस, सात पचे कितना आ जाएगा आपका पैंतीस, यही आएगा, तो यहाँ पे आपका जो आ रहा था ये कितना आ रहा था, तीन सात है आपका, तीन सात ये हुआ और छः पाँच था आपका ना, तो छः पैंतीस आएगा बच्चों, तो यहाँ पे ये आपका गलत है, ये रेशियो आपका सही है जो ये मिला गया ए बी सी का। अब यहाँ बच्चों हम बात करते, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, तीस चालीस तीस सत्तर, सत्तर दस अस्सी, अस्सी दस नब्बे, नब्बे और पाँच कितना हो जाएगा आपका पंचानवे, इसको आप काटिए, यहाँ बच्चों उन्नीस बचे पंचानवे आपका आएगा, यहाँ पे उन्नीस से करना उन्नीस कितना बचेगा आपका, तो अगर हम बात करते उन्नीस दूनी अड़तीस बच्चों, पाँच आपका ज़्यादा हो गया, पाँच आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, चौदह आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका छः आ जाएगा, उन्नीस सत्य कितना आ जाएगा, एक सौ तैंतीस, तैंतीस बच्चों आपका सात छः तेरह, फिर उन्नीस सत्य एक सौ तैंतीस, ये जीरो हुआ, पाँच दूनी कितना आ जाएगा दस, एक बराबर दो सत्य चौदह, दो सत्य चौदह एक पंद्रह और दो एक अन्नम दो एक कितना आ जाएगा आपका तीन, यहाँ पे चेक कर लो, दो सत्य चौदह, दो सत्य चौदह एक पंद्रह, दो एक अन्नम दो एक तीन, तीन सौ चौवन, बी को कितना प्राप्त हुआ, बी का आपका कितना दिया है यहाँ पे बच्चों बयालीस है, तो यहाँ पे आपका 42 बराबर कितना आ जाएगा, 354 गुणे आपका कितना आ जाएगा 42, तो यहाँ पे भैया चार दूनी कितना आ रहा 8, तो एक ही में आपका दिया गया भैया 8 में लास्ट, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। अगली बात करते बच्चों आपका, यहाँ पे एक वस्तु को 2300 में बेचकर बच्चों 25% का लाभ कमाया, यदि 1955 में बेचा जाता है तो उसे कितना आपका लाभ होगा। अगर बच्चों हम बात करते हैं 2300 रुपए में आपका बेचा गया है, 25% का लाभ हुआ, तो भैया आप बताओ पांच का 25 चौका 4 का सामान बच्चों 5 में बेचा जा रहा है ना, तो 5 बराबर ये है, तो 5 से आपने डिवाइड किया और 4 की वैल्यू निकाली, ये सीपी हुआ, अब यही सामान 1955 में आप बेचना चाह रहे हो, ये आपका हो गया। इसको आप सबसे पहले बच्चों सॉल्व करो कि 23 से अगर हम काटते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा,
23 की अगर बात करते बच्चों यहाँ पे कितना बार जाना चाहिए, तो आपका 23 पंचायत कितना हो जाएगा 107 त्रिक बच्चों आपका 7 आपका 6 7 त्रिक 7 दूनी 14 7 त्रिक कितना हो गया 21 तो आपका कितना आ जाएगा 2 7 दूनी 14 2 16 तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा अगर 23 और लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा 3 1 4 6 2 8 100 आपका 84 बिल्कुल। तो यहाँ पे 23 8 आप ले जा सकते हो बच्चों तो 8 बार में जाएगा 84 आपका आया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 5 आपका 11 तो 23 पंचे आपका कितना आ जाएगा तो 23 पंचे आपका निकल कर आ जाएगा 115 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85। अब यहाँ से 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 20 सौ कितना आ जाएगा 80 80 का सामान बच्चों किसमें जा रहा है 85 में जा रहा है अभी भी काट सकते हो। ये कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आएगा 17 एक का बच्चों फायदा हो रहा है 16 में से तो 100 में से कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 16 छक 96 4 बचेगा 1/4% तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 6.25 का 25% का क्या हो रहा है ये गेन कर रहा है। तो ये बच्चों आपके आपका जो है 20 सवाल थे जो कि बिल्कुल आपको आसानी से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए बच्चों आगे मिलेंगे इसी तरीके से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।